तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम भाई नरवाना हल्के में। हाँ और यड़ा है मारे बुजुर्ग भाई सारे बैठे हैं, अरे पूरी पंचायत सी जमा हो रही है। राम राम जी। राम राम भाई। और ठीक ठाक है? हाँ ठीक ठाक जी, जमा ठीक ठाक। मेरे ख्याल से घनी मेहनत कर ली, जोश थोड़ा ढीला पड़ रहा है। ना जी जोश पूरा है, जोश पूरा है, सौंदे नहीं रहे दिन। अच्छा गोडे जमा करने ही पियो करने हैं फॉल है। बस यूँ एक दिन का और डोल डमा कह रहे हैं। हाँ मैं थक दिन सात दिन भी मंत्री बना रखे हम तो यूँ। हाँ राम राम जी। राम राम जी। और ठीक ठाक है? हाँ ठीक है ठीक ठाक जी। हाँ बढ़िया जी बढ़िया। राम राम जी। राम राम जी। बहुत बढ़िया जी। के माहौल हो रहा है? बढ़िया है जी, बीजेपी की निश्चित जीत है। नेताजी साहब ही बैठे हैं। हाँ बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, स्वागत करते हैं हम तो इसका जी। भाई बिंदर साहब हमारे साथ हैं, नेता जी हमारे साथ हैं, भाई साहब राम राम। भाई राम राम जगदीप। आपका एक गाना देखा था, टैग लग रहा है बीजेपी वाला। हाँ फिर वो सच्चाई थी जगदीप भाई, कोई भी देश की बात करे, धर्म की बात करे, समाज की बात करे, छत्तीस जात को एक करने की बात करे तो उसको उनका बीजेपी का आ गई। यदि ये प्रमाण है बीजेपी का होने का फिर तो मैं बीजेपी का हूँ। क्या सबको होना चाहिए? देखो बड़ी बात यह कही है। हाँ भाई समझने की बात है, बिंदर जी हमारे दौरे बैठे हैं, इनका एक गाना लग आया है, टैग लग लिया। वो टैग किस किस बात में आपने लगा भाई? हाँ मैं जगदीप भाई जब भी मान लिया, मैंने आम आदमी को ऑब्जर्व किया क्योंकि कलाकार धरातल से चीज़ें उठाता है जी। आम आदमी कोई भी मैं फेसबुक पे देखता, कोई ये लिख देता भारत माता की जय तो नीचे कमेंट आता है बीजेपी का है गे, कोई लिख देता जय श्री राम तो नीचे कमेंट आ जाता बीजेपी का है गे। मैंने सोचा किसी ने कह दिया पाकिस्तान मुर्दाबाद, फिर भी नीचे आने लगे था बीजेपी का है गे। भाई यदि ये बातें एक बीजेपी का होने की है तो भाई मैं तो बीजेपी का, और सबको बीजेपी का होना चाहिए फिर तो। देख सीधी बात है। कितनी बढ़िया बात है यार। हाँ जी तब राम राम। राम राम। लो भाई दो ही गम गए 3500 वोट से मेरा पत्ता गया। देखो भाई यहाँ पे जोश पूरा है, अंगा पूरा लगेगा, लगेगा अंगा पूरा अंगा जी। एक तरफा इलेक्शन है जी, बिल्कुल नरवाना लक्का में नहीं पूरा हरियाणा में आवाज जाओगी। बेदी जी की बहुत तगड़ी जीत है जी। उड्डा साहब भी अंगा ला रहे हूँ तो उड्डा बेसन ला रहे, उसका ला रहा, इधर नहीं लगा रहा, इधर नहीं चलता उड्डा गाएगा, यहाँ तो कृष्ण बेदी गाएगा चलेगा और पूरा गांव गाएगा चलेगा। ये बावन गाँव का लड़का है जी, ये ऐसा नहीं कहो 5 गाँव से उठ रहा है, पूरे 52 गाँवों का लड़का है ये, पूरे इकट्ठे होकर चल रहे हैं जो सोच के साथ। इन गांवों में कोई नौकरी भी लग गया क्योंकि उड्डा साहब तो उनको 2,00,000 नौकरी दूंगा नहीं लग गया तो बताओ। उड्डा ना पहला उसके एरिया में लाए हैं, मारा तो बीजेपी आने के बाद अभी लगे हैं, पहले नौकरी का पता ही नहीं था कि नौकरी क्या चीज़ है। कि मैं सेटिंग शूटिंग हुई किस चीज़ की? नौकरी की। कड़ा मार पर पिए देन में नहीं क्या की सेटिंग होगी, मार तो ये लागन लग गए हैं सीधे लग गए बिना खर्ची पर। पानी ही बा मारा वो लांडी खाप साहब तो छतरी आदमी आ बोल मार के उठने के लिए नहीं कर दो पहले तो कहा कर दे बल्ला नौ रोट की आ अरे कुट की इबा में नौ रोट की हो गई वो कुट की हो गया बिना करने बोलने नहीं जाएंगे बिना खर्चे के। फिर उड़ा कोई प्रभाव नहीं कोई नहीं मेरे को बिजली वाले में भी लाया उड्डा ना रणदीप ना लाया न्यू में बैठे हाँ एम ए करे करे बी ए करे करे सारे ने श्रेष्ठ बैठे सारे नौजवान उम्र बूढ़े लिए बेचारे थक लिए मारा नहीं को सगाई वाला भी आंदा अभी पहले गए हैं पहले गए बोले छोरी पटरी है एम ए बी ए बोले सगाई ले लोग मंत्री की करा मार से है। क्या कहो जी क्या लगे आपने? नरवाना की जनता ने तय कर लिया है बेदी जी को बहुत बड़े बहुमत से जिताएगी, एक तरफा नरवाना चलेगा। यू पानी की क्या समस्या थी? पानी का जिक्र करो। पानी की समस्या थी हमारा जी, पानी था को नहीं, पानी भाई साहब ने दिया, फिर बेदी साहब ने क्यों कर दे दिया? अरे विधायक था को नहीं, अरे था को नहीं, फिर भी दिया इसने साहब से था गांव का था ज्यादा दिया पानी नहीं और कौन दिया भजन लाल ने दिया बंसी लाल ने नहीं दिया चांदी कसी लेकर बैस गए यू मारा गांव का था छोरा और मारा मंत्री बनया और पानी दे दिया है जी। सभी गांवों को गुआंडों को पानी की समस्या इसने खेतों की है। समर्थन भी दिया है ना? हाँ जी हाँ जी भाई साहब इतनी पाछा रखने वाली कांग्रेस सरकार है हमने इतनी पाछा रखने वाली
सत्तर साल राज कर गई वा उनती दे के मर तई रणदीप आड़ा चिकनी चौपड़ी बात लाए करदा और बुका के ले जा करदा वोट महाराज भाई साहब ने दिया जो दिया है तिशाए मरे करते पीने का पानी भी कौन रहे करता रजबाब नलके चल बढ़िया ही आर ओ फैल है नलकियाँ का इतने बढ़िया नलके हैं भाई साहब का किसान बुल है मामे नहर युग एड्स का बस अच्छा महाराज नहर युग एड्स का है और किसी बस की बात को नहीं और भी किसी का बोलना है कि मारा कांग्रेस सरकार में जितने भाई हैं नहीं रेस पेड पड़ के गोडे ढील ले लिए बरती माल है तेरा कदे न कांग्रेस ने लाए ये चपा चप लग गए हैं किसी की खर्ची नहीं गरीबा के भी लग गए हैं गरीबा के सारे लग गए हैं गरीबा के ज्यादा लग रहे मिल के अरे एक जाए तुम्हें लग रहे हैं इतने कदे लग गए बड़ा सुनता मैं 210 वाले लगे हैं बिना खर्चा 210 वाले बिना खर्चा के भाई साहब ने पूछ लिया प्रोग्राम था तो मैं सिर्फ 210 बाला है नहीं लागे है नहीं तो बिना खर्चा लागे हैं दोबारा दोबारा तो वोट 40 साल पीछे मारे कांग्रेस ने तो 40 साल पीछे कर दिए वोट गिर दिया बूढ़े गए हमें कदे नहीं कुछ करे मारा तो अरे हां गणा बूढ़ा तो कौन लगता बाकी वो तो रहे हैं गणा बूढ़ा तो 80 साल के टिकन हो और के 60 साल हो गए सरदार उसमें उठा था इसका बाबू कुछ पलटे उठा था कांग्रेस को नहीं आजाद पार्टी ने उठा विंड लागे वोट दे देखो भाई सारा माहौल तो है यार है और माहौल भी लगभग एक तरफा है राम राम जी राम राम के माहौल के कहना चाहोगे बढ़िया माहौल है बढ़िया है बढ़िया एक तरफा है एक तरफ सुधीर गौतम जी हमारे साथ हैं जी नमस्कार जी जी नमस्ते जी आपने क्या लगा आपने सारी पार्टियों का निष्कर्ष काटा है निर्वाणा में एक मेरे ख्याल से कृष्ण बेदी जी बहुत बड़ा चेहरा भी है इस बात का भी प्रभाव है यहाँ पे विधायक ना होते भी ना नहीं यहाँ का काम करवाया है जी जी विधायक बन गए तो मंत्री बनने की कितनी उम्मीद है देखो कृष्ण बेदी जी का भारतीय जनता पार्टी में जो कद है जी वो सब जानते हैं जी वो मंत्री रहे हैं जी माननीय मुख्यमंत्री जी के राजनीतिक सलाहकार रहे हैं कैबिनेट का दर्जा रहा उनको पूरे हरियाणा हाँ इन्फॉर्मेशन है और पार्टी संगठन में जी कृष्ण बेदी जी की वो अहमियत है कि इनका मंत्री बनने की तो छोड़ो ये और एकाध को मंत्री बनवा सकते हैं इनका इतना ब्योंत है भारतीय जनता पार्टी क्या में बात है क्योंकि हाईकमान शीर्ष नेतृत्व से लेकर प्रदेश में भी जमीनी स्तर पर छोटे से कार्यकर्ता मुझ जैसे साधारण से कार्यकर्ता से लेकर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इनको चाहता है इनका काम करने का स्टाइल अभी लोगों ने आपको बताया जी। इस नरवाना से यहाँ से तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी विधायक होते थे और सिंचाई मंत्री रहे हैं बड़े बड़े नेता रहे हैं कांग्रेस में भी यहाँ से लेकिन जो ये धरोधी माइनर वाला जो काम था जी। सब लोगों ने इसमें तकनीकी कुछ कारण बताकर अपना पल्ला झाड़ते रहे किसी ने सारे मुख्यमंत्री आलिए इन हाँ इनकी समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया काला पीलिया कई बीमारियां तक हुई काला पीलिया कैंसर से लोगों के साथ साथ पशुधन का भी नुकसान हो रहा था कितनी भैंस गाय मुर्गी यहाँ क्योंकि कृषि प्रधान इलाका है पशुपालन से इनकी जीविका उस पर निर्भर करती है और कितना बड़ा नुकसान यहाँ किसान भाइयों को हो रहा था किसी ने सुध नहीं ली पिछले 60 वर्षों में और सत्ता के शीर्ष पर रहे लोग यहाँ लेकिन भाई कृष्ण बेदी जी ने इस हलके से अभी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से चुनाव लड़ने से पहले ही उन समस्याओं का हल करके दिखा दिया जो बहुत बड़ी भीषण समस्याएँ इस विधानसभा क्षेत्र में बनी हुई थी इस नरवाना में और 36 बिरादरी का भाईचारा इनके साथ है लोग इनका चुनाव लड़ रहे हैं मैं ये देख रहा हूँ मैं पूरे चुनाव में इनके साथ हूँ शुरू से जी इनका चुनाव पूरा नरवाना विधानसभा के लोग लड़ रहे हैं ये खुद अकेले नहीं लड़ रहे जनता लड़ रही है इनका चुनाव गिलना हो इनके गठबंधन से आगे अरे कोई कांग्रेस का भी खड़ा है बता दो चुप कहीं कोई पीछे खड़ा बता दो सारे बदल के जी जी यहाँ नरवाना में एक ही नारा चल रहा है जी कि दिल्ली में मोदी नरवाना में बेदी ये नारा जनता में चल रहा है ये मैं नहीं कह रहा ये आम जनता कह रही है बच्चा बच्चा कह रहा है नरवाना का
देखो भाई यहाँ पे कृष्ण बेदी जी के समर्थक हैं। अरे कोई कांग्रेस करो होगा तो बोलेगा नहीं हो, खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे नेताजी साहब ने एक बात जरूर पूछनी है, वे मतलब काम तो उन्होंने बहुत सारे करे लेकिन उन कामों का प्रचार नहीं करा। नेताजी से सवाल अपना ये है, नेताजी आ गए हैं यहाँ पे, नेताजी से सवाल है। नमस्कार जी। जी नमस्ते। आपसे एक दो छोटा छोटा सा उलाना है, आपने काम करे, आपने यहाँ पे द्रौपदी माइनर का काम करा, जींद के अंदर मिर्चपुर कांड पे जो घटना घटी थी उसके लिए आपने ढंडूर गांव बसा दिया, लेकिन कभी मीडिया में इन बातों की चर्चा नहीं होने दी, तो जिक्र नहीं होने दिया। नहीं, काम तो अपने लोगों के लिए किया ना, उसमें मीडिया के लिए थोड़ी किया काम मैंने। जिनके लिए काम, जिनको जरूरत थी उनका कर दिया, बात खत्म हो गई। मैंने लोगों के लिए काम किया, लोगों की जरूरत जरूरतें पूरी लोगों की है, मैंने मेरे परिवारों की पूरी की है जरूरतें। लोग दो रुपए का चेक दे के भी मीडिया में दिखा दें, आपने इतने बड़े बड़े काम कर दिए, थोड़ा सा तो खबर आ जाए। पर वो दो रुपए का चेक वापस ना दिखाओ भी दिया। तो अब क्या माहौल फाइनली पूरे हरियाणा का? हरियाणा का तो मैंने बेरा नहीं, पर नरवाना में डंडा उठ रहे हैं। मैं बताता हूँ नरवाना क्या माहौल है जी। घर घर चाली या बात, कट्ठी होगी 36 जात, हलके का हो है विकास, इब के कमल खिलाना से। र कृष्ण बेदी बने विधायक, चंडीगढ़ पहुंचाना से। जय श्री राम। इसने जीत लिया दिल सबका, इब के इसको जिताना से। भाई पूरा नरवाना बिल्कुल तन मन से बेदी जी के साथ है, क्योंकि इसका कारण है जगदीप भाई, ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा नेता जो हमने हमारी मिट्टी से निकला हुआ, और जो देखो कितनी दूर 200 किलोमीटर दूर जाके वहाँ पर चुनाव जीतकर यहाँ के लोगों की समस्याओं को फिर अपने ध्यान में रखते थे, और जो हमारा दौर आकर बैठ गया तो हल्का कितना आगे जाओगा, बस सीधी सी बात, मैं तो हल्का नहीं यह कहना चाहूँगा बस। भाई जय श्री राम का नारा ला तो दिया नहीं, फिर वही बात बिंदराली बीजेपी का से गई। भाई जय श्री राम सबका ही है। और जी 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 सर, धरोधी माइनर का तो अभी पता लग गया लोगों को। जी पता लग गया, ठीक बात। कुछ काम ऐसे और भी आए हैं सामने जी, जो हम गए प्रचार में तो लोगों ने बताया कि आपने जी यहाँ लड़कियों के लिए बस की सुविधा उपलब्ध कराई, स्कूल कॉलेज जाने के लिए बच्चियों ने आपको फ़ोन किया था कि अंकल हमको स्कूल नहीं पहुँच पाते समय से कॉलेज, एक फ़ोन किया था बच्चियों ने इकट्ठे होके, बेदी जी ने कहा बेटा 2 घंटे का समय दे दो मुझे, आपकी समस्या का समाधान करके मैं आपको फ़ोन करके जवाब देता हूँ, और वो काम इन्होंने कर दिया। और ऐसे सैकड़ों काम लोग अपने मुंह से बता रहे हैं, इन्होंने कोई प्रचार नहीं किया। नहीं तो आजकल लोग राजनीति में उंगली कटा के शहीद होने का दर्जा चाहते हैं, इन्होंने इतना काम किया और कहीं कोई प्रचार नहीं किया। क्यों? क्योंकि इनकी नीयत साफ है, ये चाहते हैं कुछ काम जो लोगों के भलाई के हों, उनका साक्षी केवल परमात्मा हो, किसी को दिखाने की कैमरे में टीवी में जरूरत नहीं है, परमात्मा। नेताजी परसों मैं आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया हुआ था, कुछ भाई टीजीटी वाले बाहर खड़े थे, मगा भाई थारा के काम अड़े न, बोले हम लग गए हाँ तो नेताजी की बदौलत लग गया। मगा भाई टीजीटी में नेताजी की क्या भूमिका? बोले जब वैकेंसी दाएं बाएं रुकी खड़ी थी तब नेताजी ने हमारा एक ऐसा पास बनाया, किसी टाइम भी मुख्यमंत्री से मिलो आओ जाओ, किसी टाइम भी चीफ सेक्रेटरी से मिलो, ऐसा कोई बात थी? आपके हलके में 101 बालक टीजीटी के लगे हैं। देखियो अभी तो मैं आपको बहुत सी बातें बता नहीं पाऊंगा, लोग ही बताएंगे बार बार जब लोगों से मिलोगे आप जी। अब जब मैं पहली बार मंत्री बन के अपने खेड़े पर दोख मारने के लिए आया जी, विधायक बनता हूँ मैं शाहबाद से, मंत्री बनता हूँ शाहबाद से, खेड़ा दोखता हूँ मैं अपना। तो उस दिन पूरे गांव के अंदर दिवाली का माहौल था, पूरी रात प्रत्येक घर में हमने चाय और दूध पिया, इतनी भयंकर सर्दी थी, पूरी रात हर घर के दरवाजे आगे देसी मतलब तेल के दीवे लगा के उन्होंने पूरे गाँव ने रोशनी करी थी अपने देसी स्टाइल में, लड़िया नहीं गिरी, क्या पीपे तेल के लाए थे मना भी नहीं मेरा, दोनों गामा में जी यह स्थिति थी। चलते चलते मेरे को एक कागजी दे दी हमारे चाचे ने गड्डी में 2:30 बजे रात को,
कहने लगा भाई अपना आँख जाम के पूरा बाजरी भी नहीं होती, पानी पीना बहुत तंगी हो रही है, देखिए यू। और वो तीन दिन के बाद चार दिन के बाद पीए ने मुझे कागज़ दिखाया तो 6,000 एकड़ जमीन बिश्वड़ा माइनर, वो भी आपने सुने अभी ना, वो भी पहली बार बताऊँगा मैं, बिश्वड़ा माइनर जिसमें बिश्वड़ा बड़ा कड़ौदा छोटा कड़ौदा और बिखे वाले का कुछ पोर्शन वो इरीगेटेड किया, जहाँ पे बाजरी भी नहीं हुई थी वहाँ जड जड मेटे वाली जीरी होने लग रही है। और वो बिश्वड़ा माइनर में जब हमारी बेटियाँ या हमारी बेटे बुएँ जब कपड़े धोती हैं पानी लेके आती हैं वहाँ से तो फिर वो कहती हैं बेदी आ गया, रजमाया नहीं बोल दी बेदी आ गया। बस अब एक बात का माफ है, परसों तो था बस बंदे की थी बड़का कारण है लड़ाई की थी, तो मैंने कल जाया डीआई था नरवाना अपने, मैंने कहा भाई बस ले दे बिला कौन चला था, मैं करूँ फोन भाई साहब लो है बंदे ने कहने थे जी चला दी। जय श्री राम। मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, एलनाबाद का उपचुनाव था, एलनाबाद का उपचुनाव था, मैं नेताजी से बोला मखा जी कुछ बालका की भर्ती है, बोले किससे मिलना है, मखा जी उमा शंकर जी से चीफ सेक्रेटरी से किसी से मिलवा दो, उसी टाइम फोन करके मेरे को यूं कहा भाई तू जाके मिल ले, आधा पौना घंटा मुलाकात आपने वह करवाई थी। तो भाई देखो है तो बहुत सारी बातें, ये बात भी मैंने किसी दिन बताई। सही बात, सरकार सरकार चलाने का पूरा अनुभव है जी, प्रशासन से किस तरह लोगों की समस्याओं का समाधान करवाना है उसमें कुशल है इनका, कार्यशैली जो इनकी है। तो मैं समझता हूँ नरवाना के लोग इस बार विधायक नहीं चुन रहे, सीधा कैबिनेट मंत्री चुन रहे हैं अपने वोट। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। मोदी सरकार तीसरी बार मोदी सरकार। तो भाई फिलहाल तो यह वीडियो इतनी, आपने किसी के लागे कमेंट बॉक्स में राय दे दिया, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद भारत माता की।